इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए हरिओम सिंघल जी हैं। इनकी मेन रघुपुरा जो बाजार है, यहाँ पर इनकी एक दुकान है और यहीं पर सचिन काम किया करता था। हम बात करते हैं, सचिन कब से आप यहाँ काम करते हैं? 2 साल से काम कर रहा है। 2 साल से। अच्छा, ये बताएं कि सचिन जब 2 साल से काम कर रहा था तो बीच में वो छुट्टियां भी लेता था शुरुआत में? ऐसा है का एक आध दिन की छुट्टी को काम हुआ तो वो उतने देर ने छुट्टी ना ले गया, आ गया वो आता था। लेकिन बाद में मार्च में क्या उसने कोई लंबी छुट्टी ली? हाँ, उसने मार्च में वो 5-6 दिन की क्या क्या गया, मतलब वो पूर्णागिरी की और वो जो 10 दिन में आया। क्या कह के छुट्टी लिख गया था? पूर्णागिरी पड़े तो टनकपुर के पास उत्तराखंड में। अच्छा, जब हक में वहाँ जा रहा हूँ और वो उसके बाद में 10 दिन में आया वो। कब छुट्टी ली थी, कितने बात है? 10 मार्च को गया वो और 20 मार्च को आया। 20 मार्च को आया और कुछ नहीं बताया उसने शादी वादी का? कुछ नहीं बताया। और उसके बाद दोबारा कब वो आपकी दुकान पे आ गया? वो फिर पूरे दिन काम करता? उसके बाद में वो दुकान पे आया है और पूरे दिन काम करेगा। वो एक बात अलग है कि वो घंटा भर की जो रोटी खाने गया हो सके कि 1.5 घंटा में आ जा, कभी 2 घंटे में आ जा के मुझे घर पर काम। कब तक काम किया, आखिरी बार कब आया था वो? वो आखिरी बार आया 1 तारीख को। पहली कब? हाँ, 1 जुलाई को वो करीब 8 बजे आया है और वो 8:30 बजे यहाँ से चला गया 8 घंटा में। अच्छा। और ये जब मई में भी उसने छुट्टी ली थी क्या? ना, एक आध दिन की कोई छुट्टी ली हो, बात अलग है। जब सीमा हैदर के बारे में आपको कब पता? ना हमें कुछ, हमें तो तब जानकारी पड़ी है, तब वो 1 तारीख को यहाँ आया है 8 बजे करीब और 8:30 बजे की चला गया। मैं जो आया करूँ 9 बजे करीब आया करूँ, मैंने आके इसके पूछिए, मैंने कहा वो ना सचिन के वो आया, मैंने कहा कि वो नौके को मैं भी आऊँ पाटन में। अच्छा, तो 1 जुलाई को वो सुबह आया 8 बजे और 8:30 चला। हाँ, उसके बाद नहीं है? नहीं नहीं कभी अपना मतलब कोई पैसा हिसाब कुछ भी करने आया, बात ही नहीं? ना, अभी कोई बात ही ना उनसे थी। उसके अलावा आप कभी कुछ और उसके बारे में अगर आप जानते हो? ना हमें कोई जानकारी ना। क्या पबजी वगैरह खेलता? हमें कोई जानकारी ना जी। दरअसल क्या है कि मैं यहाँ बैठता हूँ, बालक अंदर बैठते हैं पंखा में, अब वो अंदर क्या कर रहा है ये तो वो जाने। तो यहाँ पर काफी समय का तकरीबन 2 साल काम किया हरिओम जी की दुकान पर। एक बार लंबी छुट्टी ली थी मार्च में, जब जानकारी है कि वो नेपाल गया था, हालांकि यहाँ पर उसने कुछ और बात करके छुट्टी ली थी। और उसके बाद 1 जुलाई की सुबह 8:30 बजे इस दुकान से वो गया, फिर वो दोबारा काम पर नहीं लौटा।